बिलासपुर मंडी सीमा पर सिलापड़ में लॉकडाउन के दूसरे दिन मंडी पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इसकी स्थिति का खुद जायजा सुंदरनगर के डीएसपी गुरबचन सिंह ले रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा में तैनात कर्मियों को कड़े निर्देश दिए हैं और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इस सीमा में प्रवेश ना करे, इसकी भी हिदायत दी गई है। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें। कोरोना बीमारी, ये जो वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसकी रोकथाम के लिए जो भारत सरकार व हिमाचल सरकार द्वारा उठाए गए पग व प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें लॉकडाउन पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है और हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। हिमाचल प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के दिशा निर्देश अनुसार हर प्रकार से एहतियात बरते जा रहे हैं तथा जो भी इसेंशियल सर्विसेज के कार्यकर्ता हैं, कोई भी सर्विसेज है, उसको बिना किसी बाधा के उचित बंदोबस्त करके जो है वो कोऑपरेट किया जा रहा है तथा हिदायत दी जा रही है कि इसमें अपनी अच्छी से अच्छी सेवाएं दें ताकि जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। तथा लोगों से भी मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, घर से बाहर ना निकलें, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। उसमें सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार जो 10 से 2 बजे तक मेडिकल, हॉस्पिटल, करियाना, सब्जी, फ्रूट, मीट इत्यादि, गैस, बैंक इत्यादि की दुकानों की सुविधा के लिए उनके लिए अलाउ किया था, लेकिन उसमें भी लोग ध्यान रखें कि वो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें तथा इस वायरस को जड़ों से कुचल करने के लिए अपना हर संभव सहयोग दें। इसी के साथ मैं जनता का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। यहां जो आपको बताया इस तरह करना हिमाचल एक्सप्रेस के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।